नमस्कार भैया। नमस्ते। तो सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी? जी। अच्छा, और आपका जो ये फार्म है वो किस नाम से है? जी, रेलावा कृषि फार्म नाम से है। एक बार रिपीट करना वापस। रेलावा कृषि फार्म जी, चांदाना रोड पे है। ओके। शिवगंज के पास में। शिवगंज के पास, सुमेरपुर। जी ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट में पाली में आता है, सिरोही में? ये पाली डिस्ट्रिक्ट में। पाली डिस्ट्रिक्ट में जी। अच्छा, तो ओके भैया, शुरू करने से पहले जानना चाहूँगा आपको ये शौक कैसे लग गया घोड़ों घोड़ी का? घोड़ों का शौक जी, मैं और मेरे मित्र हैं गजेश जी मेवाड़ा। ओके। हम साथ में हमने चालू किया है। ओके। इनके फोर फादर से ये करते आए हैं, इनके ग्रैंडफादर भी करते थे। अच्छा। तो वहाँ से राइडिंग वगैरह करते रहे हम, तो फिर हमने पर्सनल एक स्टड फार्म खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 2-3 जानवर खरीदे हमने अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखते हैं आगे। बिल्कुल, आगे अगर मेहनत करोगे तो आगे सक्सेस मिलेगी। अच्छा, शुरुआत करने से पहले आपने कहीं से जानकारी ली इसके बारे में, घोड़ों के बारे में? जी, हमको वो मेरे मित्र हैं गजेश जी, उनको पहले से जानकारी थी इस बारे में। हमारे ये मिलने वाले हैं प्रबोध सिंह जी, सलूद्रिया हैं। ओके, उनसे ओके। भी जानकारी ली। और देखो, इस माह में घोड़ा घोड़ी रखने में इनमें जानकारी, भाई ये क्या खाते हैं, इनको कैसे क्या करते हैं, वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है आज के मार्केट में। वो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं नहीं, इनका प्रॉपर डाइट फॉलो किया जा रहा है, डाइट एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। और एक दूसरे से जो अपने भाई बंधु है, चाहे घोड़े रखते हैं आसपास, जी जी नहीं, उनसे ही सीख पाते हैं अपन ज़्यादातर। तो आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने नया नया फार्म खोला है और आप भी एक अश्व प्रेमी हो। जी, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आपने कौन सी घोड़ी या घोड़ा खरीदा था? जी, पहले घोड़ी खरीदी थी, ये वाली। जी। अच्छा, शुरुआत आपने इसी से की है मतलब? जी। ठीक है, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका जेनिफर नाम है। जेनिफर। जेनिफर जी। अच्छा नाम रखा, जेनिफर जी। ओके, और क्या डिटेल अभी है इसकी घोड़ी की? इसके फादर्स वगैरह? हाँ, इसका इसका जो फादर है साइड, वो कौन है? प्रभात है इनके फादर। प्रभात जी। अच्छा, प्रभात की डायरेक्ट है ये? जी। ओके, और इसकी अगर डेम की बात करें, मदर की? ये फूलमाल लाइन से है। फूलमाल लाइन से जी। अच्छा, और एज इसकी कितनी है अभी? एज इसकी 36 मंथ्स है, अभी 3 साल की हुई है। अच्छा, 3 साल की हुई है जी। ठीक है, तो प्रभात की हो गई है। प्रभात एक बहुत अच्छा घोड़ा है। जी, जी जी। और अच्छे रिजल्ट भी है उसके, प्रभात के। और वो देवली लाइन, ये देवली लाइन की होगी मेरे ख्याल से। जी हाँ, प्रभात सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, देवली हो गई ना? बिल्कुल जी जी जी। हाँ जी, माँ फूलमाल की हो गई और बाप इसका देवली लाइन का हो गया, प्रभात। ठीक है भैया, क्या हाइट है इसकी घोड़ी की? इसकी 62 है लगभग। 62 जी। ओके, और मार्किंग इसके दो पैर सफ़ेद है, पीछे वाले दो पैर सफ़ेद है, और माथे पे फुल ब्लेज है। जी जी जी। ठीक है, हाइट 62 प्लस बताइए। 62। ठीक है, और तेलिया कुमेद में हो गई है? जी, तेलिया कुमेद में। अच्छा, इस पे आप राइडिंग भी करते हो क्या? हाँ जी, करते हो राइडिंग जी। अच्छी राइडिंग करवा लेती है? जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा भैया, खरीदने से पहले आपने लाइन का ही चूज किया या क्या था आपके मन में, भाई घोड़ा लेना है बस? नहीं नहीं, लाइन के हिसाब से चूज किया। लाइन के हिसाब से, अच्छी लाइन की घोड़ी चाहिए थी हमें। नहीं, आपने ये नहीं सोचा, एक होता है घोड़ा जी, भाई घोड़ा जैसे घोड़ा है ये, कुल मिला के बात यही है। एक उसमें घोड़े में अभी क्या है, मार्केट में चल रहा है ट्रेड, एक लाइन का एक नून का। तो अभी लाइन का बहुत ट्रेड चल रहा है। जी जी जी। तो बहुत से क्या है, जो नवयुक है या समझदार है जी, लोग जो जानते हैं घोड़े के बारे में, वो लाइन का चूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। जी जी। और बहुत से वो देखो, आप आपका बजट के हिसाब से है, लाइन का जानवर एनिमल है जो महंगा मिलता है थोड़ा, और अनोन लाइन का थोड़ा कम डाउन में मिल जाता है। बट आपने लाइन के साथ जाना चाहते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल जी, नई शुरुआत है स्टड फार्म की, तो इसके हिसाब से लाइन के जानवर। बिल्कुल, अगर आपने अच्छा एनिमल खरीदा है या अच्छे से शुरुआत की है तो सक्सेस अच्छे से ही मिलेगी जी, ये मान के चलो। और लाइफ पे लॉन्ग टाइम तक आप इसमें काम करोगे, ये मेरा दावा है जी। थैंक यू। ओके भैया, अभी ये जो आपने 3.5 साल उम्र बताई, कितनी बताई उसकी उम्र? 3 साल। 3 साल, 3-3.5 के लगभग है। अच्छा, तो अभी इसको आपने कवर करवाया किसी से? जी। अच्छा, कौन से घोड़े से? हिडाल्गो से। हिडाल्गो जी। हिडाल्गो इधर जालोर में है। और जी, जालोर कवला स्टड फार्म, बहुत अच्छा घोड़ा है, कवला स्टड फार्म है। अल्टीमेट रिजल्ट है उसके भी जी। 3 महीने से सुबर है ये। अच्छा, 3 महीने से सुबर है जी। ठीक है। ओके, अभी आप जैसे नए आदमी हो घोड़े में, आप इनको क्या खान पान देते हो आपके हिसाब से?
खान पान तो जो भी घोड़ों की प्रॉपर डाइट है उसके हिसाब से चल रहा है। अच्छा, जो प्रॉपर डाइट है जी, उसके अलावा एक्स्ट्रा मिनरल्स कोई वो तो नहीं देते हो? वो भी चल रहा है सर, वो भी चल रहा है जी। एक्स्ट्रा मिनरल्स भी, मिनरल्स वगैरह सब कुछ ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है इधर आपके जालोर बेल्ट में, इधर सिरमेरपुर में घी भी खिलाते हैं घोड़ों को? घी, और घी भी खिलाते हैं, तेल भी खिलाते हैं। अच्छा अच्छा जी, मौसम के हिसाब से जैसा वो सीजन है, जैसा सूटेबल है घोड़े को, जैसा सूटेबल करें जी वैसा। और मेन कारण तो वही होता है कि अपना घोड़ा जहाँ सूटेबल रहता है, और दूसरी बात घोड़े को क्या सूट हो रहा है उसके हिसाब से, जो घोड़े को सूट हो रहा है वो उसी हिसाब से दो उसको जी, वही सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है भैया, बेस्ट ऑफ लक है आपको नया फार्म खोलने के लिए जी, और शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू सर। वरना वो पर लिया चश्मा फिर लाओगे? चल बेटा अठारह दिन लाओगे? मैं ले गो, चल बस आ जा। बस बस लाइन में